नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट। नल पर साइकिल धो रहे थे बच्चे, बड़ों ने खड़ा कर दिया विवाद। परेली से अमरजीत की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? नसीर। कहाँ रहते हैं? मंडिया हापी मदरा गोटिया। थाना? भौजीपुरा। ये चोट कैसे लगी आपके? ये हमारा क्या बच्चा 17 तारीख में नल पे गया था, सरकारी नल था, वहाँ धो रहे थे साइकिल। ये चचेरा भाई आए, इन्होंने साइकिल खेत में फेंक दी, माँ बच्चों की गई। कई किसी बाप का थोड़ी नल, जो सरकारी नल है कोई भी धो सकता है, उस पर भी हमला करा। हम ITO ऑफिस आए हुए थे, फिर हमने पुलिस में चौकी में गए, रफड़ रखवाई। आई कच्ची था उस पर, तो उन्होंने क्या जाके वो शाम में पुलिस पहुंची नहीं, सुबह में नहीं पहुंची, फिर दूसरे दिन 18 तारीख शाम में पहुंची। पुलिस ने वह घर पर गई, जे शाम को 6-7 बजे टाइम पर जो उधर से आए ते साले भोसड़े वाले पुलिस भेजी घर पर, तो उन्होंने मारपीट कर दी थे। मैं क्या नाम है लोगों का? हबीब हसीब फजील। ये कहाँ रहते हैं? ये भी वहीं रहते हैं पास में। अच्छा, तो किस बात पे झगड़ा हुआ था? वो सरकारी नल पे बच्चे साइकिल धो रहे थे, साइकिल फेंकने पे। अच्छा, ऐसे साहब से मिलने आए हैं आप? साहब से मिलने आए हैं? साहब से मिलने आए हैं। थाने में सुनवाई नहीं हुई आपकी? थाने में हम बहुत, जब हमारी मारपीट हुई, हमारे खून लिख रहा, हमने उन्हें मेडिकल करा, रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई आदमी के पहुँचा अभी तक। उसके बाद हम कचहरी में आना पड़ा है, क्यों हम भौजीपुरा मेडिकल कराया, उन्होंने बोले तुम जाओ डिस्ट्रिक्ट में आए हफ्ते वाले दिन रात को, तो यहाँ पर उनकी हालत पलटी हो रही थी खून की। उन्होंने बोले सोमवार वाले दिन होगा, मंडे को बोला, कल तो इतवार है, कल तो कोई काम नहीं होगा, पर सोमवार वाले दिन होगा। हमने हमारे मरीज ही पलटी आ रही है, तो ये अब मरीज हमारा तो ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पे उनके अस्पताल में वो भी वीडियो हमारे पास में। अच्छा, फिर आप बोले तुम ले जाओ अपनी मर्जी लेके जाओ, हम इसमें लिख के नहीं देंगे। तो आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? आप तो उनको आप वो मुकदमा चाहते हैं, मुकदमा चाहते हैं। साहब से मिले थे? हाँ, साहब से मिले थे। क्या कहा साहब ने? साहब ने कहा तुम जाओ, हो जाएगा, कार्रवाई होगी। हमारे बड़े भाई के जो गुम चोटें भी है, हॉस्पिटल में पड़े हैं।